नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। जिस तरह से हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इंस्टॉल करना, कुछ ना कुछ नया वेबसाइट्स के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, आज हम आपको जो वेबसाइट दिखा रहे हैं ये हमारी एक वेबसाइट है जिस पर कोई भी व्यक्ति आकर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है और कम्युनिटी में से कोई भी व्यक्ति उसका आंसर दे सकता है। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डले हुए हैं। तो इस वेबसाइट पर जैसे ये क्वेश्चन डला हुआ है कि सबसे आसान तरीका कौन सा है फ़ोटो गैलरी बनाने का, कि हाउ कैन आई अप्लाई पैन कार्ड माई सेल्फ, कि मैं पैन कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी यहाँ आकर क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी को भी अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इस वेबसाइट पर वो अपने आंसर कर सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, किसी ने इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि कैसे और क्या क्या स्टेप्स हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी यहाँ अपना आंसर डाल सकता हूँ, कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपना कमेंट डाल सकता है। तो इस पर बहुत ही आसानी से यहाँ आकर आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करो, क्वेश्चन यहाँ डालो कि मुझे जो भी है, कि जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, कि बिटकॉइन क्या है, मुझे नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या है। तो मैंने यहाँ वेबसाइट पर एक क्वेश्चन डाल दिया है, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है कि क्रिप्टो के अंदर आता है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि हाउ टू माइन बाय एंड यूज़ इट, टैग दे दिया है बिटकॉइन, मैंने नाम डाल दिया क्रिप्टो यूज़र, और मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ वेबसाइट पर डाल देता हूँ। तो यहाँ जब हम मेन पेज पर आकर देखते हैं तो यहाँ मेरा क्वेश्चन आ चुका है। अब किसी को भी अगर पता होगा कि बिटकॉइन क्या है तो वो यहाँ वेबसाइट पर आएगा और यहाँ अपना आंसर डाल देगा और मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह की एक वेबसाइट आप खुद कैसे बना सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ कुछ कैटेगरीज वगैरह हैं, देखो वेबसाइट पर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन बिजनेस से, ऑटो से, स्टॉक से, किसी भी प्रकार से, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप पहुँचना चाहें तो यहाँ इस वेबसाइट पर आकर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ये वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं और इस वेबसाइट्स को बनाने से आपको क्या लाभ होगा। तो जिस तरह से आप YouTube पर वीडियो वगैरह बनाते हैं, गूगल एडसेंस से आपको पैसा आता है, उसी तरह से इस वेबसाइट को आप बनाएं और लोग आपकी वेबसाइट्स पर आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और यूज़र्स आएंगे, उनके आंसर देंगे, तो इस तरह से कम्युनिटी बिल्ट हो जाएगी और उस कम्युनिटी के माध्यम से आप गूगल एडसेंस की एड्स यहाँ इस पर आप लगा सकते हैं। मेरी वेबसाइट्स पर भी यहाँ ऐड लगी हुई हैं, लेकिन मैंने उन एड्स को अभी ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि गूगल की पॉलिसी है कि हम अपनी एड्स खुद नहीं देख सकते। आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको शायद ऐड वगैरह भी शो होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वेबसाइट को हम कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए जो कि क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे सकें, आपको सबसे पहले आपको गूगल पर आना होगा और वहाँ लिखना होगा क्वेश्चन टू आंसर और एंटर कर देना होगा। जो पहला लिंक आएगा क्वेश्चन आंसर फ्री ओपन सोर्स QA सॉफ्टवेयर, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे और देखेंगे डाउनलोड क्वेश्चन आंसर्स, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इनके गिटहब पेज पर भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ इनके गिटहब पेज पर चलते हैं, तो आपको यहाँ गिटहब का एक पेज मिलेगा, तो आपको यहाँ कोड पर क्लिक करना है और डाउनलोड जिप फाइल कर देनी है। जैसे ही आप डाउनलोड जिप करेंगे आपके कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ हमारे कंप्यूटर के डाउनलोड सेक्शन पे ये वेब एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि इस वेब एप्लीकेशन को आप अपने लाइव सर्वर पर अपने होस्टिंग अकाउंट में कैसे डालकर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और Xampp सर्वर पर भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम Xampp सर्वर के अंदर इसे कैसे बनाएंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की थी। उसके बाद हम चलेंगे हमारे सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर Xampp जहाँ हमारा इंस्टॉल है Xampp सर्वर में। Xampp के बाद हम जाएंगे अपने htdocs के फोल्डर में और यहाँ आने के बाद हम एक नया फोल्डर यहाँ क्रिएट करते हैं। ये इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी हम अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहें। तो फ़िलहाल के लिए हम इसे क्यू एंड ए नाम दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर क्यू एंड ए। और ये नाम देकर हम इस फोल्डर को खोल लेते हैं और इसके अंदर उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। ये फाइल अब हमारे htdocs के अंदर आ चुकी है। यहाँ आने के बाद हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस फोल्डर से हम इन सभी फाइल्स को कट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इनको कट कर देते हैं और बैक आकर हम अपने इसी फोल्डर में इनको पेस्ट कर देते हैं। तो ये फाइल्स हमने हमारे htdocs के क्यू एंड ए नाम के इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर ली हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद हम लोकल होस्ट टाइप करते हैं। लोकल होस्ट हमारा खुल गया है। इसके बाद हम अपना फोल्डर जिसमें हमने वो फाइल्स डाली हैं उसका नाम देते हैं क्यू एंड ए और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हमें एक मैसेज मिलता है, द कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुड नॉट बी फाउंड, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन इन डैश कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल डॉट पी एच पी। यानी कि ये फाइल अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इसको नहीं मिली है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वापस आएंगे और यहाँ ये फाइल है क्यू डैश कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल। सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से डैश और एग्जाम्पल यहाँ से हटा देंगे और फाइल को रीनेम कर देंगे। उसके बाद आप इस फाइल को खोलेंगे। खोलने के बाद आप यहाँ पर दिया हुआ है यूज़र नेम, तो Xampp सर्वर के अंदर अगर आपने अपना यूज़र नेम और डाटाबेस अलग से बना रखा है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो Xampp सर्वर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डाटाबेस दिया हुआ होता है, यूज़र नेम जिसका होता है रूट। तो अभी मैं रूट डाल देता हूँ। पासवर्ड उसका कुछ होता नहीं है। और उसके बाद हमारा डाटाबेस जो कि हमारा होता है टेस्ट डाटाबेस जो कि हमें Xampp सर्वर के अंदर मिलता है। तो मैं ये देकर इस फाइल को यहाँ सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद हम लोकल होस्ट और उसके बाद हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके सामने ये पेज आ जाता है जिस पर लिखा है वेलकम टू क्वेश्चन टू आंसर, इट्स टाइम टू सेटअप योर डाटाबेस, और ये कुछ लिखा हुआ है ऐसा। तो हम यहाँ सेटअप द डाटाबेस इंक्लूडिंग यूज़र मैनेजमेंट यहाँ हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक यूज़र नेम देते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड दे देते हैं, उसके बाद हम कोई भी एक अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। हमने यूज़र नेम दे दिया है, एक पासवर्ड दे दिया है, ईमेल एड्रेस दे दिया है, उसके बाद हम सेटअप द सुपर एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करते हैं और मैसेज हमें मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेश्चन टू आंसर साइट इज़ रेडी टू गो। बस इतना ही करना था। हम अपने गो टू एडमिन करते हैं और अपने एडमिन पैनल के अंदर आ जाते हैं। हमारी वेबसाइट यहाँ बन चुकी है। तो यहाँ एडमिन पैनल पर सबसे पहले हम यहाँ अपनी वेबसाइट का जो नेम यहाँ दिया हुआ है लोकल होस्ट क्यू एंड ए इसको चेंज करते हैं। यहाँ हम दे देते हैं सैंडीबुक क्यू एंड ए। ये हमारा अभी यूआरएल शो कर रहा है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं, तो इसलिए लोकल होस्ट।
और उसके बाद हमें अपना फोल्डर हमें शो हो रहा है। यदि आप इसे अपने डोमेन पर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आपका डोमेन आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस वगैरह शो कर रहा है। यहाँ आते हैं तो हम यूज़र्स वगैरह कॉलम में आकर देख सकते हैं कि हमें यहाँ अलाउ द यूज़र विद पोस्ट टू चेंज देयर यूज़र नेम। यदि हमें अपने यूज़र्स को अलाउ करना है कि वो अपने यूज़र नेम को चेंज करें या ना करें, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि ईमेल मी व्हेन ए न्यू यूज़र रजिस्टर, यानी कि जब एक नया यूज़र आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर हो तो आपके पास एक मेल आएगी। यहाँ कुछ इन्होंने वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एनोनिमस कॉमा देते हैं और हम लिख देते हैं जैसे सैंडी कॉमा देते हैं, लिख देते हैं सैंडीबुक। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम चाहें कि यूज़र वो यूज़र नेम ना रख पाएँ, तो ऐसे वर्ड्स हम यहाँ दे सकते हैं और यहाँ पर आकर नीचे सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट रेडी है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर यहाँ नहीं है। तो हम फिर से अपने लेआउट्स में चलते हैं। लेआउट्स में जो ये मैसेज हमारा यहाँ शो कर रहा है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट के साइड में आप विजगेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ कैटेगरीज पे आकर हम एक दो कैटेगरीज ऐड करके देख लेते हैं। हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं मोबाइल, कैटेगरी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम एक और कैटेगरी ऐड करते हैं इंटरनेट, डिस्क्रिप्शन देकर एक और कैटेगरी हम ऐड करते हैं, इसे नाम दे देते हैं हेल्थ। तो इसी तरीके से आप इस पर कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज ऐड करने के बाद हम अपने होम पेज पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन वगैरह यहाँ ठीक से पोस्ट हो पा रहे हैं या नहीं। तो हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ डाल देते हैं, जैसे हम पूछना चाहते हैं कि हाउ टू क्रिएट वीडियोज ऑन YouTube। हम जानना चाहते हैं कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो। हम कैटेगरी डाल देते हैं यहाँ इंटरनेट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देते हैं YouTube, और उसके बाद यहाँ टैग देना चाहें तो टैग दे सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट YouTube कुछ भी है। यहाँ हम टैग देकर आस्क क्वेश्चन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। हम होम पेज पर आकर देखते हैं तो यहाँ हमारा क्वेश्चन वेबसाइट पर पोस्ट हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आएगा उसको यहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा तो वो चाहे अपना आंसर यहाँ पर सबमिट कर सकता है, कुछ भी यहाँ सबमिट कर सकता है, फ़ोटो वगैरह लगा सकता है, यहाँ अपना आंसर डाल सकता है और आंसर सेव कर सकता है। उसके बाद जब हम वापस दोबारा यहाँ आएंगे तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम अपने एडमिन पैनल पर जाते हैं और कुछ और सेटिंग्स वगैरह इसकी देख लेते हैं। जैसे कि लेआउट्स में आते हैं, यहाँ कैटेगरीज़ का कॉलम है, कैटेगरीज़ का जो विजगेट्स हैं हम इसे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर्स पर। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टॉप में, लास्ट, सर्च बॉक्स में, ये पोजीशन पूछ रहा है। हम टॉप पोजीशन रखते हैं और विजगेट्स को रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ कि शो द विजगेट्स, सारे ही पेजों पर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, वरना मैं एक एक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं उसे सारे ही पेजों पर सेलेक्ट करके ऐड विजगेट्स कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड विजगेट्स वहाँ किया तो हमारे होम पेज पर यहाँ हमारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। मोबाइल्स में यहाँ 0 शो कर रहा है, इंटरनेट में यहाँ 1 शो कर रहा है, हेल्थ में यहाँ 0 शो कर रहा है। इंटरनेट पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इंटरनेट में है। इस तरह से आपकी वेबसाइट
बन चुकी है जिस पर कोई भी कहीं से भी अपने क्वेश्चन डाल सकता है और उसे अपने आंसर किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई इंटरनेट पर यूज़र उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो ये तो हमने देखा कि Xampp सर्वर में हमने किस तरह से इंस्टॉल किया। इस वेबसाइट को हम अपने लाइव सर्वर पर भी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको अलग क्या करना होगा कि जो फाइलें हमने STDocs के Q&A फोल्डर में डाली थी, अब उन फाइलों को हम फाइल मैनेजर में जाकर अपने डोमेन के अंदर डाल देंगे। तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। हम यहाँ अपने सी पैनल में आ गए हैं। सी पैनल में आने के बाद हम आते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के बाद जैसे हमारी वेबसाइट है ask.sandybook.in, ये हमारा वेबसाइट का फोल्डर है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो वो सब फाइलें मैंने यहाँ अपलोड की हुई है। यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड के बाद हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। डाउनलोड्स के बाद जो हमारा ये फोल्डर, जो हमारी जिप फाइल थी, उसको हम यहाँ ओपन करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। सी ड्राइव में अपलोड करने के बाद आपको यहाँ इस तरह से वो जिप फाइल आपको मिल जाएगी। इस जिप फाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल कर देंगे। आपकी सारी फाइलें आपके उस फोल्डर में आ जाएंगी। उसके बाद वही सेम प्रोसेस रहेगा जिस प्रोसेस से हमने अभी Xampp सर्वर पर अपनी वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। तो इसी तरीके से आप अपनी Q&A, एक कम्युनिटी वेबसाइट या एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म आप क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर। धन्यवाद।